ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। डिफेक्ट्स इन लेंसेज, लेंसेज में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन। स्पेलिंग क्या होती है क्रोमेटिक एब्रेशन की देख लेना, ठीक है, शायद ए डबल भी आता है, ई आर ए टी आई वाई, ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन। देखो क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है, सपोज करो मेरे पास ये लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, जनरली इस तरह का लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है अगर मैं एयर के कंपैरिजन में बोलूं। अगर मैं इस पे व्हाइट लाइट डालूं, ये जो लाइट आ रही है व्हाइट है, कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, व्हाइट लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो व्हाइट लाइट जो है वो सेवन कलर से बनी हुई होती है, तो जो फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2, ठीक है। तो यहां पर देखो फोकस और ये एक्चुअल में यहाँ पे म्यू ऑफ लेंथ, अगर सराउंडिंग अगर 1 ले लू मैं, सराउंडिंग को अगर 1 ले लेता हूँ तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे म्यू ले लू और इसका लेंस का म्यू ले लेता हूँ तो फोकस और ये दोनों कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोकस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/μ के। और आपको पता है कि जो वायलेट कलर होता है म्यू वी वो ग्रेटर देन होता है म्यू आर के कंपेरिजन में, वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कंपेयर टू, तो इसका मतलब जिसका फोकस ज्यादा होगा, सॉरी जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका फोकस क्या होगा, कम होगा। तो क्या होता है जब लाइट यहाँ से पार करेगी तो जो वायलेट का जो फोकस बनेगा वो तो यहाँ कहीं बन जाएगा, वायलेट का फोकस इसको मैं एफ वी बोलूंगा, और रेड कलर का जो फोकस है वो थोड़ा सा आगे बनेगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एफ आर। बात समझ में आई? तो जो आपकी इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी क्योंकि दो अलग अलग फोकस बन रहे, तो इमेज क्लियर नहीं बनेगी, ठीक है, ब्लर इमेज बनेगी क्योंकि फोकस ही अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के एब्रेशन को, इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। आई बात समझ में? ओके सर। एफ वी मतलब वॉयलेट कलर का फोकस, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, अब दूसरा तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। उसको बोलेंगे लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। देखो उसमें क्या होगा, ठीक है, रब कर दो उसको, yes, तो क्या लॉन्गिट्यूडनल लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। सपोज करो ये लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट ले लिया हम लोगों ने। अब देखो इससे इमेज कैसे फॉर्म होगी, एक रे तो इसे पैरेलल जाएगी। अब मान लो व्हाइट लाइट है, ये जो लाइट है ये व्हाइट लाइट है, तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाने के बाद एक तो ये ऐसे जाएगी जो वॉयलेट कलर के फोकस, और दूसरी रेड कलर वाले फोकस से, रेड कलर वाली लाइट यहां से जाएगी और वायलेट कलर वाली लाइट यहां से जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे इमेज कैसे फॉर्म होगी, देखो
एक लाइट तो ऐसे की, दूसरी लाइट को आप चाहो तो यहाँ से ऐसे निकाल दो, ठीक है। दो फोकस होते हैं इसके, हमने पढ़ाई था। मान लो ये एक लाइट जो है व्हाइट कलर की लाइट है, फोकस से जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग पार्ट होंगे, ठीक है। तो एक पार्ट तो क्या होगा, वॉलेट कलर वाला ऐसे जाएगा, दूसरा वाला क्या होगा ऐसे जाएगा। ये तो हो गया वॉयलेट के लिए और ये हो गया रेड के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो इमेज बनेगी, वॉयलेट वाली इमेज यहाँ पर बनेगी और रेड वाली इमेज कहाँ बनेगी, दिख रहा आप लोगों को? रेड वाली इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ एच वी, इसको नाम देता हूँ एच आर। ये इमेज बन रही है रेड कलर के कारण और वो वाली इमेज बन रही है वॉयलेट कलर के कारण। तो दोनों की इमेज की साइज में डिफरेंस होगा, दोनों की जो इमेज बन रही है, दोनों की अलग अलग इमेज बन रही है। कैसा नेट है यार, चलता नहीं है। अपना भाई का क्या, अपना वाईफाई का सिग्नल बोल जाता है। बात समझ में आई? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इमेज की साइज का, इमेज की साइज का जो डिफरेंस है ये वाला, इसे बोलते हैं लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, मेरी आवाज आ रही है पीयूष के में कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, मेरे को तब इसको कैसे दूर करेंगे हम लोग, अगर हम दो अलग अलग लेंस का प्रयोग करें, ठीक है, और उन दोनों को इस तरह से कंबाइन करें कैसे? दो अलग अलग लेंस ले लिया मैंने, ठीक है, पूरा कर दो। अब देखो इस डिफेक्ट को कैसे कम करते हैं हम लोग, उसे बोलेंगे एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म, ठीक है। एक्रोमेटिज्म में क्या होता है, दो अलग अलग कलर के लेंस लेते हैं, टू लेंसेज लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोनों की जो डिस्पर्सिव पावर होगी, डिस्पर्सिव पावर अलग अलग होगी, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मान लो एक का है ओमेगा बाय एफ और दूसरे का है ओमेगा डैश बाय एफ, ये वाई है ना, वाई का ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जैसे एक का है मान लो ओमेगा वन बाय एफ वाई, एफ वाई मत लिखो यहाँ पे, एफ वन लिखो, फोकल लेंथ ऑफ वन प्लस ओमेगा टू इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ टू, ठीक है। वाई ले लिया मैंने क्योंकि वाई कलर वाले के लिए हम लेते हैं मेन फोकस जो होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, दोनों की जो डिस्पर्सिव पावर होगी वो हो जाएगी माइनस एफ वन अपॉन एफ टू। दोनों की डिस्पर्सिव पावर का रेशियो इस तरह से होना चाहिए कि वो एफ वन अपॉन एफ टू के रेशियो के बराबर है, ठीक है। माइनस इससे लगाया कि अगर एक कॉनकेव होगा तो दूसरा कॉनवेक्स लेना है आपको, एक डाइवर्जिंग लेंस होगा तो दूसरा कन्वर्जिंग लेना है, इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक क्रोमेटिज्म मिलेगा, मतलब लाइट फिर एक ही फोकस बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। सर ये आपने ओमेगा वन अप